आईपीएल 2022 में आज शनिवार को दो मुकाबले खेले जाएंगे। इसलिए आज ये जानना बेहद जरूरी है कि आज कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ भारतीय समय अनुसार कितने बजे मैदान पर उतरेगी। लेकिन आज के मैच के बारे में जानने से पहले आज के कैंट पॉइंट टेबल पर एक नजर डालना आवश्यक है। आईपीएल 2023 का 10वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर हैदराबाद को 5 विकेट से हराने में सफलता हासिल की। इस मैच के बाद जो कैंट पॉइंट टेबल जारी किया गया, उस पॉइंट टेबल के हिसाब से अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 मैच में 2 मैच जीतकर नंबर 1 पॉइंट टेबल में बन गई है। उसके बाद अब दूसरे स्थान पर गुजरात की टीम आ गई है और तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम आ गई है। इन तीनों के पास 4-4 अंक हैं, जबकि इस पॉइंट टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 4थे स्थान पर, राजस्थान रॉयल्स की टीम 5वें स्थान पर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 6थे स्थान पर है। आरसीबी की टीम 7वें स्थान पर है। इन चारों टीम के पास अभी भी 2-2 अंक हैं। इनके अलावा भी दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के लिए अब भी इस पॉइंट टेबल में अपने अंक का खाता खोलना बाकी है। अब हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज 2 महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें आज पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर आरंभ होगा, जबकि आज दूसरे मुकाबले में सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस का सामना महेंद्र सिंह धोनी की टीम से है। यानी आज का दूसरा मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें आईपीएल की क्रमशः नंबर 1 और नंबर 2 सफल टीमें हैं, इसलिए आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। इस मुकाबले को आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। इसके अलावा जियो सिनेमा ऐप पर इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इन मुकाबलों को लाइव नहीं देख पाते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आईपीएल के सभी मैचों का परिणाम सबसे पहले आपको बताया जाता है।